نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد الذي يرسل إلى الناس كافة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے معزز بزرگ امت مسلمہ کے نوجوان جیالو اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام آج کی یہ مجلس یہ محفل کا تعلق اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس ذات کے اندر تمام کمالات تمام صفات کامل درجہ کے تھے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مر مٹنے اور اس کے سنت پر عمل کرنے اور ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، اس لیے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے اور سب ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، تو ہم سب یہ نیت کریں کہ جو بھی بات اس مجلس میں کہی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے کائنات کے مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیس پیدا فرمایا، یہ مقناطیس اگر بے جان چیزوں کے درمیان پائی جائے اسے کشش کہتے ہیں، اگر یہ مقناطیس دو جاندار چیزوں کے درمیان پائی جائے اسے میلان اور محبت کہتی ہے۔ محبت کی تعریف بھی یہی ہے، دل کا کسی خوبی کی طرف مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں اور اس محبت میں غرق ہو جانے کو عشق کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے علماء کرام موجود ہے، آج اسی موضوع کے اوپر بحث ہوگی، عاشق رسول کے اوپر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کا سچا عاشق کون ہے۔ میرے بھائیوں اس فانی دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے، بڑی بڑی ہستی آئے جو چلے گئے، جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہماری ان سے کوئی پہچان ہے نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے نہ ہم کو ان سے کوئی مالی فائدہ ہے نہ ہم کو ان سے کوئی سیاسی فائدہ ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی کمالات کی وجہ سے، ہم حاتم طائی سے محبت
की शुजात और बहादुरी की वजह से हम सुकरात और अफलातून का नाम बड़े प्यार से लेते हैं, उनकी इल्म और हिकमत की वजह से हम सुभान वाइल को बड़े प्यार से पुकारते हैं, उनकी खिताबत और तलाकत लिसानी की वजह से हम नौशे रवा से मोहब्बत करते हैं, उनके अदल और इंसाफ की वजह से हम शेख अशफर और हमर से मोहब्बत करते हैं, उनकी आदमी कमाल की वजह से हम लैला और मजनू की मिसाल देते हैं, उनकी कमाल इश्क की वजह से। तो मेरे भाइयों गौर कीजिए, जब उन लोगों से उनकी कमालात की वजह से उनकी खूबी की वजह से मोहब्बत की जाती है, फिर उस जात अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ना की जाए जिस जात के अंदर तमाम कमाल कामिल दर्जा के थे। मेरे भाइयों इन लोगों के अंदर जो कमाल पाया जाता था वो नाकिस था, अधूरा था, लेकिन कुर्बान जाए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जात के अंदर तमाम कमालात कामिल दर्जा के थे। मैं हातिम ताई की सखावत को मानता हूँ, मगर हातिम ताई की सखावत उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का मुकाबला कैसे कर सकता है, जिसने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाया, दुश्मनों को भी फायदा पहुंचाया, दोस्तों के जाहिर बातिन को माला माल किया, दुश्मनों के जाहिर बातिन को माला माल किया। दोस्तों हातिम ताई की सखावत तो दुनिया से चले जाने के बाद खत्म हो गई, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसकी सखावत का सिलसिला आज भी जारी है और कल कयामत तक वो नवाजता है। मेरे भाइयों हम नौशे रवा से मोहब्बत करते हैं उनकी अदल और इंसाफ की वजह से। मैं नौशे रवा की अदल का इनकार नहीं करता, मगर नौशे रवा की अदल को उस जात अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल से क्या मुवाजना किया जाए जिस जात ने अरब के इंतकामी अमर और जालिमाना माहौल में यह ऐलान कर दिया कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी उसका भी हाथ काट लिया जाएगा। मेरे दोस्तों जिस जात ने उम्मत के आम आदमी के सामने अपनी कमर नंगी कर दी थी, उसके गुलामों ने कैसे किसरा के जुल्म इस्तेदाद को खत्म करके मीजान अदल कायम किया। मेरे भाइयों मैं रुस्तम और असफंद यार की शुजात को मानता हूं, उसकी बहादुरी को मानता हूं, मगर उस अजीम बहादुर के क्या कहने जिसने अरब के वहशी दरिंदों का मुकाबला किया, साल हा साल तक बगैर लश्कर के बगैर माल दौलत के अरब के वहशी दरिंदों का मुकाबला किया। मेरे भाइयों मैं सुकरात और अफलातून के इल्म और हिकमत का इनकार नहीं करता, मगर उस बाबुल इल्म वल हिकमा के क्या कहने जिसके फैजान इल्म से हजार हां हजार अरबाब इल्म और हिकमत पैदा हुए। मेरे भाइयों मैं सुबहान वाइल की खिताबत का इनकार नहीं करता, मगर उस मुकर्रर आजम के क्या कहने उस खतीब आजम के क्या कहने जिसकी तासीर खिताबत से पत्थर भी बोल पड़े, जिसकी तासीर खिताबत से सांप जैसे मोजी जानवर भी बोल उठे, जिसकी तासीर खिताबत से हैवान जैसे जानवर बोल पड़े और संगदिल इंसान की जिंदगियों का काया पलट गया। दोस्तों मैं शेख अशफर और हमर की मैं लबेद और मुतनबी की फसाहत और बलागत का इनकार नहीं करता, मगर उस फसीह आजम के क्या कहने जिसकी फसाहत और बलागत का अरब अजम में कोई जवाब ना दे सका। अरे मेरे सामने मिस्र की कुलुपुत्रा की बात ना करो, मिस्र की वो हसीन की बात ना करो, अरब के वो हुस्नो जमील का मुकाबला तो मिस्र की वो औरत मिस्र का वो हसीन भी नहीं करता जिसने चंद बाजारी औरत को के होश हवास गुम कर दिए थे। जो मेरे भाइयों दर हकीकत बात इस चीज की है,
आज लोगों से मोहब्बत की जाती है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबी की वजह से। तो आइए उस ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ना की जाए जिस ज़ात के अंदर तमाम खुसूसियात कामिल दर्जा के थे, तमाम खूबियां कामिल दर्जा के थे। मेरे भाइयों, हमारा दावा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आदम अलैहि सलाम से लेकर मूसा अलैहि सलाम तक, मूसा अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक और तमाम अंबिया किराम के अंदर जितने कमालात फर्दन फर्दन अता किए गए थे रब्बे कायनात ने, रब्बे ज़लजलाल ने यकजा तने तन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क, नूह अलैहिस्सलाम का जोश तबलीग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वलवला तौहीद, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जज्बा एहसान, याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम की रजा, याकूब अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल, हारून अलैहिस्सलाम का जमाल, यूशी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, यूशी अलैहिस्सलाम का जिहाद, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, लूत अलैहिस्सलाम की मारिफत, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज, इलियास अलैहिस्सलाम की वक़ार, यहया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहद और उन जैसे बहुत से औसाफ, बहुत से कमालात तने तनहा यकजा रब्बे कायनात ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा कर दिए थे। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यस पैदा दारी आचे खुबा हमा दारन तु तन्हा दारी। वो कौन सा खुल्क है, वो कौन सी सिफात है, वो कौन सा कमाल है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थे। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपके सामने आलिम रब्बानी हजरत मौलाना मजहरुल हक कासमी साहब मौजूद है और आपके हरदिल अजीज हजरत जनाब मुफ्ती मोहम्मद निहाल खां मौजूद है जो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपको सीरत से मोह कर देंगे और आप लोग उसको सुनेंगे तो आपका ईमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों में आज आपको टहलाएंगे। आपके सामने दो उलमाए किराम मौजूद है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ ज्यादा वक्त लेना, इसलिए आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती निहाल खां साहब मौजूद है जो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी के ऊपर बताएंगे और आप ये जान लें, ये समझ लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला, अरफा, अबतर और इससे बड़ी हस्ती न कोई पैदा हुआ है और न कारखाना कुदरत ने इससे बड़ी हस्ती को पैदा किया है और न कयामत की सुबह तक कोई इससे बड़ी हस्ती पैदा हो सकती है। तो हम सब का ये मकाम है, हम सब उसकी उम्मत है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उस उम्मत बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो बात कही जाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।